नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अवैध संबंधों का खूनियन। एक पति अपने कारोबारी फायदे के लिए अपनी पत्नी को अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, वहीं पत्नी ने भी पति के भाई के साथ अवैध संबंध बना रखे थे। इस बात की जानकारी पति को लग चुकी थी। इससे पहले कि पति कोई ठोस कदम उठाता, पत्नी ने डेर डाला अपने आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। NH-58 पर कुछ दिन पहले रात करीब 11:15 बजे दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 के कारोबारी मन्नू वालिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो लग्जरी कार से पत्नी शालू और चचेरे भाई विपुल के साथ हरिद्वार जा रहे थे। राजनगर एक्सटेंशन के पास बाइक सवार बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए ओवरटेक कर उन्हें रोका और गोलियां बरसा दी। कार का शीशा तोड़कर दो गोलियां उनके माथे और गाल में लगी। गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस दिन कार विपुल चला रहा था। मन्नू और शीला पीछे बैठे थे। 4-5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। वारदात के समय शालू बेहोश हो गई थी। कारोबारी मन्नू वालिया दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे और एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। कारोबारी पर करीब 2 माह पहले बागपत में भी जानलेवा हमला हुआ था। इस हत्याकांड में 4 माह पहले मन्नू वालिया की पत्नी का फेसबुक पर किया गया कमेंट हकीकत बन गया। अगर उस कमेंट को मन्नू वालिया मजाक ना समझता और सीरियसली लेता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कारोबारी मन्नू वालिया को अपनी मौत का इशारा लगभग 4 महीने पहले मिल गया था। अगर मन्नू वालिया उस इशारे को समझ जाता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। दरअसल 6 मई 2015 को शालू ने अपनी एक फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी, जिस पर 7 मई को मन्नू ने लिखा था, मार ही डालोगी। जवाब में शालू ने लिखा था कि सच में मार ही डालूंगी।
ये महज इत्तेफाक है या हकीकत? मगर अब मन्नू के परिजनों और पुलिस को लग रहा है कि ये बात शालू ने मजाक में नहीं लिखी थी। शालू के इस कमेंट के बाद मन्नू ने लिखा था, आ जाओ मार ही डालो। इसके बाद शालू और मन्नू ने कोई कमेंट नहीं किया। फेसबुक पर शालू का कमेंट पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि इस कमेंट को मन्नू को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो सतर्क हो जाता तो शायद उसका हंसता खेलता परिवार न्यू ना बिखरता। वारदात के कुछ दिनों बाद गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया जो कि चौंकाने वाला था। मन्नू वालिया की हत्या उसकी पत्नी शालू और चचेरे भाई विपुल ने 50,000 रुपए सुपारी देकर शूटरों से कराई थी। पुलिस ने दावा किया कि शालू और विपुल के अवैध संबंध थे, जिसकी भनक मन्नू को लग गई थी। वो उनका विरोध करता था। इसके अलावा मन्नू कारोबारी फायदे के लिए पत्नी को लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, इसलिए दोनों ने मन्नू को मारने की साजिश रची। मन्नू की मौत के बाद शालू को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलना था। दोनों का कहना था कि वे कार से हरिद्वार जा रहे थे, बाइक सवार बदमाशों ने मन्नू की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन छानबीन में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर के अलाफपुर का विपुल दिल्ली में मन्नू के साथ रहता था, उनकी कार ड्राइव करता था। 3 माह से शालू और विपुल में अवैध संबंध थे, इनका मन्नू ने विरोध किया। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी कमीना क्यों ना हो, कितना भी दरिंदा क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी को प्राय पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कभी कहना दूर सोच भी नहीं सकता है। मन्नू का कुछ लोगों से प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था। केसों की पैरवी कराने को उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो शालू को उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस का ये भी दावा है कि जून में हुए जानलेवा हमले की दवा कराने के लिए भी मन्नू के पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर से भी संबंध बनाने के लिए उसने पत्नी को मजबूर किया था। परेशान शालू ने प्रेमी विपुल को यह बात बताई। विपुल ने बड़ौद के शूटर जितेंद्र उर्फ बल्लू और हरियाणा के गजनी से संपर्क किया। 50,000 में मन्नू की हत्या की सुपारी इन शूटरों को दी गई। प्लान के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए वो तीनों मन्नू की कार से घर से निकले। राजनगर एक्सटेंशन में पहले से ही उन तीनों शूटर गजनी और बल्लू इंतजार कर रहे थे।
कार रोकते ही शूटर पहुंचे और कार से नीचे उतर रहे मन्नू को दो गोलियां मारी। प्लान के तहत शालू ने कॉल कर पुलिस और मन्नू के भाई आलोक को सूचना दी। मन्नू को अस्पताल ले गए, लेकिन मन्नू के भाई आलोक ने शालू और विपुल पर हत्या का शक जताकर उनके बचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और छानबीन की तो पर्दाफाश हो गया। शालू ने बताया कि पति उसे प्रताड़ित करता था, वो पति से परेशान थी लेकिन उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी। उसने अपने और विपुल के अवैध संबंध और पति द्वारा दूसरों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के लिए पुलिस के दावों को भी खारिज किया। उसने कहा कि पुलिस अपनी तरफ से ये सारी कहानियां बना रही है जिनमें सच्चाई नहीं है। सियानी गेट पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है, शूटर भागे हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार मन्नू वालिया ने कम्बी ने पन की सारी हदें पार कर दी थी और इसी के चलते मन्नू वालिया का खौफनाक अंत हुआ। टेली और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। शाहदरा इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आंख खोलने वाला है। यहां एक विकलांग युवती ने टीवी पर विज्ञापन देखकर फोन द्वारा एक टैबलेट बुक कराया था। ऑर्डर बुक कराने के अगले दिन ही घर पर पार्सल पहुंच गया। जब उस पार्सल को खोलकर देखा गया तो उसमें ग्लास का सेट था, लेकिन तब तक डिलीवरी बॉय गायब हो चुका था। कई बार कंपनी के नंबर पर बात की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर युवती ने शाहदरा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पैरों से विकलांग दीपा अपने परिवार के साथ वेस्ट रोहतास नगर शाहदरा में रहती है। परिवार में माँ और दो भाई है। दीपा घर में ही रहती है और अपने भाइयों से मिले पैसों को जोड़कर वो एक टैबलेट खरीदना चाहती थी। 2 दिसंबर को अपने शॉप सीजे नाम के चैनल पर एक 5,000 रुपए के टैबलेट का विज्ञापन देखा। टीवी पर दिए गए फोन नंबर के जरिए दीपा ने स्मार्ट टैब बुक करा दिया। अगले दिन 2 डिलीवरी बॉय पहुंचे। उन्होंने दीपा की माँ से डिलीवरी चार्ज के साथ 5,068 रुपए लिए और जाने लगे। इस पर उन्होंने दोनों को रोका और पार्सल को खोलकर देखने लगी, लेकिन तब तक दोनों वहां से निकल गए। पार्सल में 6 ग्लास का सेट था। मैंने 2 तारीख को टीवी पे से देख के एक टैप ऑर्डर किया था, तो 3 तारीख को वो हमारे घर डिलीवरी देके गए। जब हमने खोला तो उसमें कांच के गिलास निकले। जब उनके पीछे मम्मी गए तो वो लोग भाग गए थे। नहीं, उन लड़कों का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन कंपनी में बात की, वो कह रहे दे देंगे, गलती से ये गिलास आ गए, हम आपका फोन वापस कर देंगे वरना पैसे देंगे, लेकिन अब कोई सुन ही नहीं रहा। उन्होंने तुरंत कंपनी के फोन नंबर पर शिकायत की। कंपनी के प्रतिनिधि ने गलती मानते हुए 1-2 दिन में टैबलेट भिजवाने की बात कही, लेकिन उनके पास टैबलेट नहीं पहुंचा। परिवार की तरफ से कई बार कंपनी को फोन किया गया लेकिन नतीजा 0 ही रहा। थक हार कर दीपा ने मामले की सूचना पुलिस को दी। शाहदरा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये विकलांग युवती खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और मांग कर रही है कि पुलिस जल्द से जल्द उसके पैसे दिला दे। सर, मेरा नाम दीपक है, मेरी छोटी सिस्टर है, ये विकलांग है। तो इसने 2 दिसंबर को टीवी पर एक चैनल आता है सोप सीजे के नाम से, इसने उस पर टैब की एड दिखा रहे थे 5,070 रुपए का। इसने अपने मोबाइल से वो टैब ऑर्डर किया। अगले दिन 3 दिसंबर को 2 लोग आए,
वो लेकर इसके पास एक पार्सल था। मेरा नाम मिस माला बोरा है, मैं चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा मैम, ये जो आपने जो ना 100 नंबर को कॉल किया था, ये शिकायत आपने कराई थी, जो विकलांग बच्ची है, क्या हुआ इसके साथ, पूरी बात बता दीजिए। सर देखिए, ये विकलांग बच्ची है, ये वैसे ही घर के अंदर रहती है। अभी पहले ही वो कहती है मैं बाहर नहीं जाऊँगी। उसने कुछ ना कुछ अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए सोचा कि वो घर पर ही रहकर किसी न किसी तरीके से मनोरंजन प्राप्त करें। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी का ये मामला पहला नहीं है, लेकिन जब ऐसा किसी विकलांग के साथ हो तो कहीं ना कहीं कंपनी और पुलिस को मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जहां ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बचत होती मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर इसको एक धोखाधड़ी की वारदात बढ़ते हुए भी माना जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन शॉपिंग से बचें और सावधानी बरतें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस कंपनी से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो फर्जी है या असली। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया, कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। दिल्ली में पुलिस अब अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाने लगी है। पुलिस को वर्दी का सही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कई बार अपनी वर्दी को दागदार करती नजर आती रही है। पुलिस की दबंगाई अब और भी बढ़ने लगी है और एक बार फिर पुलिस ने अपनी दबंगाई का शिकार एक आम आदमी को बनाया। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुर इलाके में सीएनजी पंप में पुलिस वाले की दबंगाई का मामला सामने आया है। सीएनजी की लाइन में जल्दी गैस डलवाने को लेकर पुलिस वाले ने वैन चालक की पिटाई की, जो कि वाकई पुलिस प्रशासन पर शर्म की बात है। उस शख्स ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े, पुलिस के पैर पकड़े और माफी मांगता रहा, लेकिन वैन के ड्राइवर को माफी नहीं मिली। पुलिस घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बावजूद इसके पीड़ित की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं पुलिस। हालांकि पीड़ित ने लिखित शिकायत सीमापुरी थाने में दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेड पर लेटा हुआ ये शख्स, जिसका नाम साबिर, उम्र 35 साल है, लेकिन इस साबिर पर पुलिस का एक ऐसा कहर टूटा है कि ये सोच कर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये सब करने वाली है दिल्ली की स्मार्ट पुलिस। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं।
साबिर सुंदर नगरी में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। साबिर की 7 महीने की बच्ची है जिसको दिल की बीमारी है। पेशे से साबिर अपनी वैन से सब्जी लाने का काम करता है। सुबह 4 बजे करीब साबिर सब्जी लेने के लिए निकला था और वैन में गैस भरवाने के लिए वो पास ही के ताहिरपुर CNG पंप पर पहुंचा और लाइन में लग गया। उसके पीछे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अपनी i10 कार को लेकर लाइन में खड़े हुए। जैसे ही लाइन आगे बढ़ती वैसे ही साबिर ने अपनी वैन को CNG पंप पर लगा दिया। जो बात पीछे आ रहे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को हजम नहीं हुई और उन्होंने साबिर की वैन को पीछे हटवा दिया और साबिर और अपनी i10 कार को गैस भरवाने के लिए खड़ी कर साबिर की वैन के पास आए और अचानक ही साबिर को उसकी वैन से निकाल कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि सब इंस्पेक्टर की पूरी दबंगाई CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। फुटेज के मुताबिक 4:10 पर यह पुलिस वाला साबिर को पीटना शुरू करता है और 4:41 तकरीबन 30 मिनट तक CNG पंप पर पुलिस वाला गुंडा साबिर को लात घूंसों से पीटता ही रहता है और उसके बाद वो साबिर की वैन की RC और लाइसेंस ले लेता है। पुलिस वाला RC को वहीं तोड़कर फेंक देता है और लाइसेंस को अपने पास रख लेता है। हमने RC दे दी लो सर, उन्होंने RC ली, RC को तोड़ दिया कि लाइसेंस मांगा, लाइसेंस तोड़ दिया, उसने मारना शुरू कर दिया। मैंने सबके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे, सर मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। उन्होंने नहीं सुनी, लिटा गए, मारा बिठा गए। और एक एक सरदार जी थे बेचारे, वो CNG पंप में कम से कम 40 मिनट तक मारते रहे, ऊँसों से मारा, लाते मारे। और फिर अपनी गाड़ी में से उन्होंने डंडा निकाला सी, मैंने हाथ पैर उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। सर जी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं गैस डलवाने गया था। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, saathi4you.com। जो saathi4you.com पर आए जिंदगी महक जाए। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। ये पूरी घटना CNG पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद होती रहती है। साबिर अपनी गाड़ी के कागज मांगने के लिए लगातार पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ता रहता है और माफी भी मांगता है, लेकिन इतने पर भी वर्दी के नशे में धुत इस वर्दी वाले का दिल नहीं पिघलता। उसके बाद वो पुलिस अपनी गाड़ी से डंडा लेकर आता है और एक मुजरिम की भांति जमकर साबिर की पिटाई करता है। ये देखिए इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रही पुलिस की काली करतूतें। वहीं दूसरी ओर ये सब देख रहे लोगों में कुछ लोग जब साबिर को बचाने के लिए आगे आए तो वर्दी के इस दबंग ने उनको भी धमकाना शुरू कर दिया और खुद की जैकेट उतार कर बोला, मैं सब इंस्पेक्टर भीमसेन हूँ। लेकिन इस पुलिस वाले की इस बर्बरता पर लगातार तीसरी आंख की नजर बनी हुई थी और इसके बाद भी ये पुलिस वाला साबिर को मारता रहा। और अंत में साबिर ने खुद की जान बचाकर वैन को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। सर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, और खींच के ही दिन होगा, 4-5 दिन से ज्यादा होगा, और आज भी गए थे उनके पास तो उन्होंने लाइसेंस कागज सब तोड़ दिए थे वहीं के वहीं,
उन्होंने बात नहीं करी, जो हमारे मोबाइल को फेंक दिया, तो वो सरदार को भी टाट रहा था, अपनी जेगड़ उतार के बताया था मैं भीमसेन नाम है मेरा, साथ बहुत है, वो बहुत मारा है मेरे को। थाने जा रहे तो वो बोल रहे ये किसी उसमें परेशान कर रहे। रहम करो साहब, रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मेरी एक बेटी है जो दिल की मरीज है। साहब मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो साहब। ये गुहार थी साबे की, लेकिन बहरी गुंगी पुलिस के वर्दी पहने हुए इस पुलिस वाले पर जरा भी असर नहीं हुआ। दरअसल इस पुलिस वाले का पूरा नाम भीमसेन कौशिक है, जो कि सोनिया विहार थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। पुलिस की पिटाई से साबे इस तरह घबरा चुका था कि उसने शिकायत तक करना उचित नहीं समझा। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से साबिर को हौसला मिला। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीमापुरी थाने में एक लिखित शिकायत दी गई। लेकिन घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। ऐसे में आंखों में आंसू लिए ये परिवार अपने लिए रहम की और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये तो सीएनजी भरवाने गए थे, यही गलती थी इनकी। सर जी से कितनी माफी मांगी, माफी तलाखी करी इन्होंने कि सर जी माफ कर दो, हमारी छोटी बच्ची है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने की कोई गलती नहीं थी, ये थी बस कि सीएनजी भरवाने गए थे, इन्होंने उनकी वो फाड़ दी, आरसी सब लाइसेंस सब फाड़ दिए जी। बहुत बुरी तरीके से मारा, इन्होंने बहुत माफ़ी मांगी सर जी से कि हमें माफ़ करो, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत माफ़ी तलाखी करी, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं करा और ये अपनी जान बचा के भागे हैं। जो चेहरा है वो सामने निकल कर आया, जो ये कहती है कि वो सदैव नागरिकों के साथ है, दिल्ली पुलिस सदैव नागरिकों के साथ, तो ये चेहरा सामने निकल कर आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा आला अफसरों से कि वो ऐसे जो मानसिकता का जो व्यक्ति है, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो कहीं भी हो, उसकी पूरी जाँच पड़ताल कर उसे सजा दी जाए। उसे दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ का नारा देने वाली पुलिस की इस बर्बरता को देखकर शायद ही ये नारा दिल्ली के लोगों के लिए बेईमानी सा लगता है। इस घटना के बाद इस डीसीपी से हमने इस पूरे मामले पर मिलने की कोशिश की, लेकिन इलाके के डीसीपी अपने कामों में इतने मशगूल हैं कि उनके पास ना ये जानने का समय है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ही इस परिवार की उम्मीदें बंधी हुई हैं। देखना यह होगा कि आखिर साबिर की बात पर सुनवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा, कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हां दोस्तों, अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर जानकारी दे सकते हैं।